बागली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धार्मिक घाटों पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखा गया। मंगलवार के दिन अमावस्या पर्व पर जिला सहित अन्य जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार्मिक घाटों पर पहुंचे। हम आपको बता दें कि बागली विधानसभा के प्राचीन धाराजी घाट पर बागली विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे के प्रयास से 17 वर्ष बाद स्नान प्रारंभ हुआ है। इस दौरान हजारों की संख्या में प्रदेश सहित अन्य प्रदेश से भी श्रद्धालु धाराजी घाट पर पहुंचे और स्नान कर तांत्रिक क्रिया की गई। हिंदू समाज में अमावस्या पर्व का बड़ा महत्व माना जाता है। इस दौरान मां नर्मदा के घाट पर स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसी के साथ चंद्रकेश्वर तीर्थ स्थल पर भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जहां पर कुंड में स्नान कर तांत्रिक क्रिया भी की गई। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। और उस स्थान का लगभग 2005 में 17 साल पूर्व एक दुर्घटना के दौरान कई लोग बह गए थे और तब से ही धारा 144 लग के प्रतिबंध था। और ऐसे प्रतिबंध के बाद ओंकारेश्वर डैम की वजह से बैक वाटर से समुद्र जैसा पानी भरा हुआ है और वहाँ की आस्था पूर्ण रूप से ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब मैं आया, मुझे क्षेत्र के लोगों ने और आसपास के सभी लोगों ने बोला कि यहाँ की महत्व बहुत ज़्यादा है, ऋषि मुनियों ने जहाँ तपस्या की हो ऐसे स्थान को पुनः जागृत करना चाहिए। मैं जब से विधायक बना हूँ लगातार प्रयास किया मैंने और आज 17 साल बाद वो स्थिति बनी कि हजारों हजारों लोग राजस्थान और आसपास के जिलों से आए हैं और सबसे ज़्यादा हमारे उज्जैन, शाजापुर और देपालपुर, इंदौर, खरगोन के याद लोग स्नान पर्व में शामिल हुए, जिसमें सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा और बहुत खुश हैं। और इस मेले की वजह से दूर दूर तक नेमावर और हमारे खेड़ी घाट जाने वाले लोगों को भी, आसपास के लोगों को यहीं फायदा मिला। तो इस पितृ अमावस्या पे हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे क्षेत्र के लोगों, और मां नर्मदा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग अमन चैन से रहे, सुख शांति लौटे और हमारे क्षेत्र का विकास हो। इसी के साथ आज बहुत ज़्यादा क्षेत्र के सभी लोग खुश हैं। मैं भी चाहता हूँ मां नर्मदा का और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज जी का नाम रोशन हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।